हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है जीआई टैग्स। दोस्तों, हम आज जीआई टैग के बारे में डिस्कस करेंगे, जीआई टैग का क्या मतलब होता है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग्स के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के होने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीआई टैग, जैसा कि नाम से लग रहा है, जीआई टैग स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, विच इज़ अ नेम और अ साइन गिवन टू सर्टन प्रोडक्ट That has a specific relation with the geographical locations. Means आपका कोई product है जिसका कोई specific जो है relation है किसी particular location के साथ, किसी particular geography के साथ वो संबंध रखता है, तो उसे एक tag दिया जाता है जिसे हम geographical indication या GI tag के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक certification है एक तरह से, जो कि उस product को दिया जाता है। That product is produced as per traditional methods and has a particular reputation because of the geographical origin. So ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस किया। So ऐसे प्रोडक्ट्स को ये GI टैग दिया जाता है। ये used for this tag, these tags are used for industrial products, food stuff, agriculture products and handicrafts और अदर कोई हमारे ड्रिंक्स वगैरह हैं उसके लिए भी ये GI टैग उनको भी दिया जाता है। GI टैग ensure that no one other than the registered authorized user is allowed to use the name of popular product. So जिसको GI tag मिलेगा उसके अलावा उस product को कोई और जो है उस registered authorized user के अलावा उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों GI tag के बारे में कुछ और जानकारी के पास। So geographical indication of goods registration and protection act 1999 GI act जो है दोस्तों, it is a sui generis act of parliament of India for the protection of geographical indication in India. सुई जनरस का मतलब है दोस्तों एक ऐसा एक एक्ट दैट इज बेसिकली नॉट कंपेयर्ड विद एनीवन। सो सुई जनरस मींस नॉट कंपेयर्ड विद एनीवन, यूनिक जिसे हम कह सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसे हम सुई जनरस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो कि है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 हैज़ कम इन टू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003। सो 2003 से जो है इट कम इन टू फोर्स विद इफेक्ट, एंड इसमें दार्जिलिंग टी, जिसको आपने सुना होगा, दार्जिलिंग चाय जो है बिकेम द फर्स्ट जी आई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया इन 2004 एंड 2005। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है, दार्जिलिंग चाय को जो है पहला जी आई टैग दिया गया है भारत के अंदर। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ जी आई टैग्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुल्लू शॉल। नाम से ही पता चल रहा है, सो कुल्लू से संबंधित है। कुल्लू शॉल दोस्तों एक तरह का शॉल है जो कि जिला कुल्लू में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में बनाया जाता है। कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है अपने पर्टिकुलर डिज़ाइंस और के लिए ये काफ़ी फेमस है। दूसरा जीआई टैग है दोस्तों हमारे पास कांगड़ा टी। कांगड़ा टी इज़ अ टी फ्रॉम द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इंडिया। कांगड़ा जिला में उगाई जाती है। Both black tea and green tea have been produced in the Kangra Valley since mid-19th century. और एक और important information जो है Kangra tea से related, European Union ने भी इसे GI tag दिया है। ये भी सवाल कई जगह पूछा जा चुका है कि कौन से किस चीज़ को जो है European Union ने tag दिया है दोस्तों हिमाचल के, तो वो Kangra tea है जिसे European Union ने भी GI tag दिया है, जिसकी मदद से चाय उगाने वाले जो हैं कांगड़ा के export their product टू यूरोप। सो एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस या प्रोडक्ट टू यूरोप भेज सकते हैं। सो कांगड़ा से टी से इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट हो सकता है। तीसरा जो जीआई टैग है दोस्तों वह हिमाचली चूली वाइल्ड। चूली वाइल्ड बेसिकली दोस्तों ये है वाइल्ड एप्रिकॉट। ओके, ये वाइल्ड एप्रिकॉट है, इसका तेल है चूली वाइल्ड। सो ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि शिमला, जहाँ पर भी एप्रिकॉट होता है, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में, तो ये हिमाचली चूली वाइल्ड को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हिमाचली काला जीरा, जो कि किन्नौरी काला जीरा भी उसे आप कह सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल ग्रासी पेरिनियल प्लांट विद द मेडिकल एंड स्पाइस यूजेस, ग्रोइंग वाइल्ड इन द ड्राई टेम्परेचर रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्पेशली इन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर। सो किन्नौर जिला में उगाया जाता है काला जीरा। इट इज़ अ पेरिनल प्लांट, मीन्स दैट कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ये पेरिनल प्लांट का मतलब है। सो हिमाचली काला जीरा को भी GI टैग मिला है। अगला है चंबा रुमाल। चंबा रुमाल और चंबा हैंडकरचीफ इज़ एम्ब्रॉयडर्ड हैंडीक्राफ्ट। सो चंबा रुमाल चंबा जिला से संबंधित है, इसे भी GI टैग मिला हुआ है। सो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला GI टैग है किन्नौरी शॉल।
इसे भी नेम इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ये नाम से पता चल रहा है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड विद इट्स रूट्स ग्राउंडेड इन द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ द रीजन द डिजाइनिंग टेक्निक्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। सो किन्नौरी शॉल एक हिमाचल का जीआई टैग दिया हुआ प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं कुल्लू शॉल लोगो। दोस्तों कुल्लू शॉल का जो लोगो है, मैंने लोगो यहाँ पर आपको दिखाया नहीं है, बट स्टिल कुल्लू शॉल का जो लोगो है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। जो हमारा अगला है दोस्तों वो है कांगड़ा पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग्स आपने सुना होगा। सो ये ग्रेट आर्ट जो है ओरिजिनेटेड इन गुलेर स्टेट, अ स्मॉल हिल स्टेट इन द लोअर हिमालयस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी व्हेन अ फैमिली ऑफ कश्मीरी पेंटर्स जो कि थे ट्रेंड इन मुगल पेंटिंग स्टाइल सॉट शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ राजा दिलीप सिंह। सो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस आर्ट। सो दिस इज वेरी फेमस आर्ट ओरिजिनेटेड इन द गुलेर स्टेट और इसे हम कांगड़ा पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो कांगड़ा पेंटिंग को भी जो है दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। सो ये हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग हैं। सो यहाँ से आई होप आपको ये जानकारी जो है मदद करेगी आने वाले एग्जाम्स के अंदर और आप जीआई टैग के मतलब को भी समझ पाए होंगे कि जीआई टैग का क्या मतलब है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।